नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एडमिट कार्ड बीपीएससी 63 PT का आप कल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर का ये दो नोटिफिकेशन आया है 18-18 करके जो डेट का है, और इन्हीं दोनों नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन पहला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा नोटिफिकेशन, इसमें लिखा हुआ है कि 1 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, 19 जिला में होगा, 271 सेंटर पे होगा, 150 क्वेश्चन आएगा, और इसी तरह से और भी डिटेल इसमें दे रखा है। कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 29 जून तक डाउनलोड होता रहेगा एडमिट कार्ड। बाकी जो आमतौर पर फॉर्मेलिटी वाली बातें वही हैं, और एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है वो देखिए, वो इस जगह पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप बीपीएससी की जो वेबसाइट है खोलें, लेफ़्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई ऑनलाइन कहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट में। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो कल दोपहर में जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा तो वेबसाइट के बाएं कोने में अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपको वहां पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ऐसा करके लिखा रहेगा। आप लॉगिन करें, जो भी आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है होगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम का, उसका यूज़ करके आप लॉगिन करें, और वहाँ पर अंदर जब आप चले जाएंगे तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ है। और कोई भी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड में प्रॉब्लम होती है तो एक लैंडलाइन नंबर और एक मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और एक और इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो दो नोटिस मैंने आपको बताया था, दो नोटिस लगाया है। तो एक नोटिस में तो ये लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और एक में ये लिखा हुआ है कि उन लोगों का जिनका फ़ोटो साफ़ नहीं है या सिग्नेचर का जो स्कैन करा के डाला था, अपलोड किया था, वो क्लियर नहीं है, उन लोगों के लिए एक फॉर्म है। ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्म उनको भर के लेके जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, इसको किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, अपना फ़ोटो लगाना है और इसको ले करके जाना है। जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर या दोनों क्लियर नहीं है या उन्होंने अपलोड ही नहीं किया, उन लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो कल से डाउनलोड कीजिए एडमिट कार्ड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, क्योंकि कुछ लोगों को तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। कई लोगों को ब्राउज़र का प्रॉब्लम रहता है, कईयों को इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, और दूसरा बीपीएससी का जो सिस्टम है वेबसाइट का, सर्वर का, वो भी इतना परफेक्ट नहीं है, तो कई बार इनकी तरफ से भी रुक जाता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। थैंक यू।